हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स. यस बेटा, लेट्स स्टार्ट विद आवर ग्रामर वर्क. टुडे वी आर गोइंग टू डू द टॉपिक एडजेक्टिव. वी हैव ऑलरेडी डन द टॉपिक एडजेक्टिव इन आवर पीटी सिलेबस. होप सो यू ऑल रिमाइंडेड. मैं सोचती हूँ कि आपको याद होगा, थोड़ा रिमाइंड होगा माइंड में, बट कोई बात नहीं, मैं फिर भी आपको बता देती हूँ. वट इज़ एडजेक्टिव? लाइक लुक एट दिस पेन. वट आर यू सेइंग अबाउट द पेन? पेन को देखते आप क्या बोलोगे? पिंक, पिंक पेन बोलोगे ना. अब उसकी सेंटेंस मेकिंग करो. इट इज़ अ पिंक पेन. जो आपने पिंक वर्ड यूज़ किया है ना, दैट इज़ कॉल्ड एडजेक्टिव. वाई? बिकॉज दैट कलर इज डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ अ नाउन एंड प्रोनाउन. ओके, क्लियर टू ऑल? इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग. ये देखो, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, या इट इज़ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग. बड़ी ही सुंदर हैंड राइटिंग है. तो आपने हैंड राइटिंग की क्या क्वालिटी बताई है? इट इज़ ब्यूटीफुल. दिस ब्यूटीफुल वर्ड इज ऑल्सो एडजेक्टिव. लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक. एडजेक्टिव्स आर डिस्क्राइबिंग वर्ड. एडजेक्टिव्स आर डिस्क्राइबिंग वर्ड. एडजेक्टिव्स डिस्क्राइबिंग वर्ड होते हैं. दे डिस्क्राइब्स नाउन और प्रोनाउन इन अ सेंटेंस. ये सेंटेंस में ना जो नाउन और प्रोनाउन होता है ना अपना, उसको डिस्क्राइब करते हैं. दे टेल अस मोर अबाउट नाउन एंड प्रोनाउन. नाउन और प्रोनाउन के बारे में वो कुछ और एक्स्ट्रा बताते हैं, मोर बताते हैं. आई हैव अ येल्लो पेन. आई हैव अ येल्लो पेन. मेरे पास एक पेन तो है, बट द कलर ऑफ द पेन इज़ येल्लो. इट इज़ डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव. एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, कि पेन की क्वालिटी बताई गई है, उसका कलर साइज बताया गया है, कलर बताया गया है. इट इज़ येलो इन कलर. नेक्स्ट वन इज, लेट्स स्टार्ट द डेफिनेशन ऑफ डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव. डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव टेल अस मोर अबाउट द क्वालिटी ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन. देखो, नाउन और प्रोनाउन होता है, उसकी मोर क्वालिटी, उसके बारे में बताया जाता है कि वो किस तरह का है. शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल. हमें पता है शी इज़ अ गर्ल, लड़की तो है, बट वॉट इज़ द क्वालिटी ऑफ गर्ल? द गर्ल इज ए ब्यूटिफुल. ओके, जितने भी अपोजिट वर्ड्स होते हैं दे आर ऑल्सो कम इन द एडजेक्टिव्स, लाइक ब्यूटिफुल, अगली, टॉल, शॉर्ट, न्यू, ओल्ड. क्लियर टू ऑल? दिस रूम इज लार्ज इन साइज. कि रूम का साइज कैसा है? इट इज़ लार्ज इन साइज. उसके साइज के बारे में बताया गया है कि वो बड़ा है. क्लियर टू ऑल बेटा? Adjectives are describing word. They tell us something more about noun or pronoun in the sentence. Clear to all the definition of the adjective of a quality or descriptive adjective. Let's start with the exercise. It is our chapter number 10, descriptive adjective. Let's start with an example. Ritu's room has big square window. देखो, रितु के रूम में विंडो है, बट विंडो की क्वालिटीज़ क्या बताई गई हैं? इट इज़ बिग एंड स्क्वायर. यहाँ पे उसका साइज बता दिया गया है और स्क्वायर उसकी शेप बता दी गई है. इट इज़ डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव. शी हैज़ ए लार्ज रेड टेडी बियर ऑन द ऑन टॉप ऑफ हर कबर्ड. देखो, उसकी जो कबर्ड है ना, उसके ऊपर एक लार्ज साइज है और रेड कलर बताया गया है कि टेडी का कलर कैसा है और वो कैसा है. इट इज़ लार्ज एंड रेड इन कलर. क्लियर टू ऑल? शी हैज़ अ प्रेटी डॉल वियरिंग अ पिंक ड्रेस. देखो, डॉल की क्वालिटी क्या है? कि इट इज़ प्रेटी और वियरिंग अ पिंक ड्रेस. ड्रेस का कलर बताया गया है पिंक. ओके, दीज आर द डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स. दे टेल अस मोर अबाउट नाउन एंड प्रोनाउन. वो नाउन और प्रोनाउन के बारे में और बताते हैं, एक्स्ट्रा बताते हैं, मोर बताते हैं कि नाउन और प्रोनाउन कैसा है. ओके, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स टेल अस मोर अबाउट द साइज, लाइक साइज बिग, लार्ज. शेप्स बता दिए हैं, स्क्वायर, ट्रायंगल, सर्कल. कलर बता दिया गया है, क्वालिटी बताई गई है, प्रेटी है, सॉफ्ट है, ब्यूटीफुल है. ये हमें इनके बारे में ये सभी चीज़ें बताते हैं. लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज वन. एक्सरसाइज वन इज सेइंग पुट द एडजेक्टिव आफ्टर द वर्ब एंड राइट द सेंटेंस इन द ब्लैंक्स. द ब्यूटीफुल गर्ल कंप्लीट सेंटेंस नहीं है. Complete sentence नहीं है. It is not a complete sentence. Okay, what is sentence? Sentence is a group of words that makes a complete sense.
ये वर्ड्सों के ग्रुप से बना हुआ है, शब्दों का समूह होता है, लेकिन वो इस तरह से अरेंज होना चाहिए कि इट शुड बी सेंसेबल, उसकी सेंस निकल के आए। अब आपको इसको चेंज करते हुए वर्ब लगानी है, हेल्पिंग वर्ब लगानी है, वो सेंटेंस मेकिंग दोबारा करनी है। द ब्यूटीफुल गर्ल, आपको पता है कि गर्ल ब्यूटीफुल है, द गर्ल इज ब्यूटीफुल। आप नाउन को पहले लोगे, उसके बाद आप वर्ब लगाओगे, इज, एम, आर, वोज, वर, हैज, हैव, हैड, दीज आर आर हेल्पिंग वर्ब्स एंड ब्यूटीफुल इज डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट वन इज ऑल्सो द टॉल बॉय, द बॉय इज टॉल। आपने बता दिया द बॉय को पहले ले लिया, आपने नाउन को स्टार्टिंग में रख लिया है, फिर आपने हेल्पिंग वर्ब इज क्यों लगाई है, बिकॉज द बॉय इज सिंगुलर नाउन और सिंगुलर नाउन के साथ हम इज लगाते हैं। क्लियर टू ऑल, टॉल कि लड़का टॉल है। ओके, डू दिस एक्सरसाइज योरसेल्फ, आप इसको आसानी से कर सकते हो क्योंकि मैंने आपको एग्जांपल डिस्क्राइब कर दिया है। एंड द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज ऑल्सो लाइक दिस, कंप्लीट दिस सेंटेंस विद एडजेक्टिव फ्रॉम द बॉक्स। आपको एडजेक्टिव्स दिए हुए हैं हिंट बॉक्स में, आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग सूटेबल एडजेक्टिव फिल करना है। एंड द सेम विद द नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 3 इज सेइंग कंप्लीट दिस सेंटेंस विद सूटेबल एडजेक्टिव। आपको ना सूटेबल एडजेक्टिव लगाना है, आपको अपने आप देखना है कि कौन सा एडजेक्टिव यहाँ पर सूटेबल होगा। यू कैन यूज़ मोर देन वन एडजेक्टिव, आप एक से ज़्यादा एडजेक्टिव यूज़ कर सकते हो। द प्रिंसेस वॉर आ डैश ड्रेस, प्रिंसेस ने कैसी ड्रेस पहनी है, आप पिंक, येल्लो, रेड, ब्लू कलर भी लगा सकते हो। आप क्वालिटी, अगली, ब्यूटीफुल, ठीक है ना, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। वी गॉट लॉस्ट इन द फॉरेस्ट, आप कैसे फॉरेस्ट में लॉस्ट हो गए थे बताओ। वी गॉट लॉस्ट इन द वाइड, वाइड मीन्स बहुत बड़े, आप ये लिख सकते हो या आप कुछ ये कर सकते हो। इसके स्पेस पे आप ये भी लगा सकते हो कि बिग फॉरेस्ट में, आप कोई भी एडजेक्टिव यूज़ कर सकते हो। इट इज़ अकॉर्डिंग टू योर सेंस, आप अपने आप कीजिएगा ये। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक बेटा, बहुत अच्छा टॉपिक है एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच में ना, बहुत अच्छा टॉपिक, आपके लिए ईजी भी है। आप डेली रूटीन में ना, आप अपने घर में ये देखोगे आपका रूम है ना, आप अपने रूम को डिस्क्राइब कर सकते हो। लाइक अपने बेड को डिस्क्राइब करो, आपकी वॉल्स कैसे हैं, कलर कैसे हैं, आपका फ़ैन कैसा है, आपने क्या डाल रखा है, ठीक है ना। डू दिस वर्क इन योर इंग्लिश ग्रामर बुक एंड डू दिस वर्क इन योर फेयर नोटबुक। पहले आप एडजेक्टिव की डेफिनेशन राइट डाउन करोगे फेयर नोटबुक में, एंड देन डू द पेज नंबर 36 एंड 37 इन योर ग्रामर बुक। क्लियर टू ऑल बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।